हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर बीकॉम प्रोग्राम सेकंड ईयर। इसको मेनली दो सेक्शन में बांट दिया गया है, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हैं, कंबाइन बुक रखी गई है। इसको दो सेक्शन में बांटा गया, बिजनेस मैथ्स और बिजनेस स्टैट। बिजनेस मैथमेटिक्स जो कि 25 मार्क्स का है और स्टैटिस्टिक्स 50 मार्क्स का है, टोटल हो गया ये 75 मार्क्स का। इसमें इंडिविजुअली आपको क्लियर करना पड़ता है। पहले हम मैथ्स के सिलेबस को देख लें कि चैप्टर्स कैसे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, जो ट्वेल्थ बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स जिनकी थी ट्वेल्थ में, उनके लिए ये कंफर्टेबल होगा चैप्टर। जो क्वेश्चन कवर होते हैं वो एप्लीकेशन से, यानी एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, जो कि इन्वर्जन मेथड है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना, वाई का वैल्यू फाइंड करना, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उसको करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज ज़रूर चाहिए होगा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का। नेक्स्ट है जो कि कैलकुलस स्टार्ट होता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन टोटली नॉन ट्रिग्नोमेट्री है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे भी कवर होगा एप्लीकेशन से, डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना पड़ेगा जिससे कि एप्लीकेशन के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन कम्प्लीटली एप्लीकेशन से ही आने हैं। नेक्स्ट है कैलकुलस का नेक्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी ये भी सजेस्ट होता है कि यहाँ पे भी एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन आने हैं। और लास्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, दैट इज़ अ फाइनेंस। फाइनेंस का केस में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, यहाँ से क्वेश्चन कवर होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स के में मेनली चार से पांच क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इंटरनल चॉइस होते हैं। टोटल 25 नंबर के क्वेश्चन हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, उसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस से, और दो शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं यहाँ पे फाइनेंस से, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, या फिर डेप्रिसिएशन और सिंपल इंटरेस्ट में चॉइस होता है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन से जो क्वेश्चन आएंगे, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इंटीग्रेशन में भी वही आ सकता है, टोटल कॉस्ट आ गया, टोटल रेवेन्यू आ गया, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, यहाँ से क्वेश्चन कवर होते हैं। और फाइनेंस में जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो मोस्ट ऑफ द चांस होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है, बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो इंटरनल चॉइस के साथ आते हैं। यहाँ पे 25 मार्क्स का है, यानी अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑफ योर यूनिवर्सिटी आपको मिनिमम 9 मार्क्स सिक्योर करने ही होंगे मैथमेटिक्स क्वालिफाई करने के लिए। यानी ऐसा नहीं है कि आप स्टैट क्वालिफाई कर लें, उसमें ज़्यादा स्कोर कर लें तो मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएगा, दोनों में इंडिविजुअल आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में जो चैप्टर्स हैं, सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैट। इंट्रोडक्शन से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली एक नोट्स लिखने के लिए आते हैं, यानी वहाँ से क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है। मतलब कह सकते हैं कि एक कंपलसरी क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन से नोट्स लिखना, जिसमें नोट्स में आपके टॉपिक कवर होते हैं, या तो कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन एंड इट्स एनालिसिस। तो जो बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं वो एनालिसिस से कवर होते हैं। जो इंट्रोडक्शन है उसमें तीन पार्ट्स हैं, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन, ये सिर्फ डेटा से रिलेटेड है। अब देखिए एनालिसिस, एनालिसिस बाकी का पूरा स्टैट कवर करता है, जिसमें एनालिसिस में आ गया हमारा सबसे पहले है एवरेज।
एवरेज जो आप सिंपल एवरेज में देख सकते हैं, मीन फाइंड करने के लिए आता है। मीन जो कि कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। दूसरा एवरेज है जिसको हम पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं, दैट इज मीडियन। मोड हो गया, क्वार्टाइल्स हो गया, ये सारे जो टॉपिक हैं वो पोजिशनल एवरेज के पार्ट हैं। यानी जो मीन होता है वो मैथमेटिकल एवरेज होता है, और बाकी मीन, बाकी मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, लाइक ये सारे पोजिशनल एवरेज, यानी ये सारे एवरेज ही हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका एनालिसिस का, दैट इज द डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में टॉपिक वाइज है, जैसे रेंज हो गया, उसके बाद मीन डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये हो गया हमारे डिस्पर्जन का पार्ट, यानी हमने जो एवरेज फाइंड किया वो कितना एक्यूरेट है, कितना रिप्रेजेंटेटिव है, उसको देखने के लिए हम डिस्पर्जन करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन से इंटरनल चॉइस आ सकते हैं, बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन तो कंपलसरी एक क्वेश्चन आना ही आना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एनालिसिस का जो पार्ट है, उसमें कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये हाई वेटेज चैप्टर है। दोनों कोरिलेशन एक अलग चैप्टर हो गया, रिग्रेशन एक अलग चैप्टर है, लेकिन दोनों में से कंपलसरी क्वेश्चन आने हैं विदाउट एनी इंटरनल चॉइस। कोरिलेशन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, दैट इज कार्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन। अलग अलग मेथड्स है इसमें, जैसे कि सिंपल हो गया रैंक कोरिलेशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। रिग्रेशन में एनालिसिस के लिए आता है, एनालिसिस यानी फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन करना होता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी कंपलसरी होता है। इसमें कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टीज बेस्ड भी होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, हमें उसको कवर करना है। उसके बाद का चैप्टर आपका है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर जो कि इंडिकेटिंग नंबर होते हैं, इसमें वेटेज के ही क्वेश्चन आते हैं, अनवेटेड क्वेश्चन आने का चांस कम रहता है। इंडेक्स नंबर में एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है, फिशर्स इंडेक्स है। और लास्ट टॉपिक है आपका टाइम सीरीज, जो कि दो क्वेश्चन कवर करते हैं, ये एक न्यूमेरिकल होता है और एक नोट्स लिखने को आ सकते हैं टाइम सीरीज पे, और ऑलमोस्ट कंपलसरी है एज प्रीवियस ईयर्स रिकॉर्ड। यहाँ पे वेटेड में जैसे मैंने बताया आप लोगों को, फिशर्स इंडेक्स के चांस बहुत ज़्यादा हैं, बाकी छोटे मोटे नोट्स लिखने को आ सकते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि नोट्स इंडेक्स नंबर के बजाय टाइम सीरीज से प्रेफरेंस ज़्यादा रहता है। आपने सिलेबस को देखा, उसमें जितने सिलेबस को समराइज करके बताया गया है, अगर आप उन टॉपिक्स को फॉलो करते हैं तो आउट ऑफ 75 आपके 80% से ज़्यादा, या फिर 85% से ज़्यादा यहाँ से कवर होते हैं। उसके बाद फिर अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहें, यानी आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, अदरवाइज ये जो टॉपिक्स हैं ये इनफ है, मोर इनफ है, जो कि आप अच्छा स्कोर कर सकें। यहाँ पे मैं आपको सिलेबस को समराइज करके फिर से बता दूं कि जो बीकॉम सेकंड ईयर के लिए है, जिसको कैटेगराइज किया गया मैथ्स और स्टैट में, मैथ्स 25 मार्क्स का है, स्टैट 50 मार्क्स का है। इसमें मेनली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, प्योर मैथमेटिक्स क्वेश्चन कम आते हैं, एप्लीकेशन ज़्यादा आते हैं। स्टैट्स में कहाँ से थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने बताया आपको कि इंट्रोडक्शन से आ सकते हैं, थियोरेटिकल इंडेक्स नंबर से आ सकते हैं, बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं एवरेज से, कोरिलेशन, रिग्रेशन, डिस्पर्जन, ये सारे कवर करते हैं। न्यूमेरिक क्वेश्चंस यहाँ पे टाइम सीरीज से, जैसे मैंने पहले भी बताया कि न्यूमेरिक और नोट्स दोनों आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। This video